नमस्ते, मैं रीना। आप लोगों को मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कीमा पोटैटो टिक्की, टिक्की कबाब कुछ भी बोल लीजिए, बहुत कम ऑयल में बहुत हेल्दी एक रेसिपी है। आप लोग एंड तक बने रहिए। और तो चलिए बनाते हैं चिकन टिक्की पोटैटो के साथ। हम 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। 250 ग्राम हम लोग चिकन का कीमा ले रहे हैं, तो 200 ग्राम आलू होना चाहिए। आलू को अच्छे से ग्रेट कर देंगे, तीनों को ग्रेट कर देंगे। ग्रेट करने के बाद पानी में धोएंगे, उसका सारा स्टार्च निकल जाना चाहिए। अच्छे से धोएंगे, जब तक वो क्लीन नहीं हो जाता, जो पानी है ना, वो गंदा गंदा पानी आ रहा है ना, वो गंदा पानी सारा निकल जाना चाहिए। अब देखिएगा, 2-3 बार धोने के बाद एकदम साफ पानी आ जाएगा। मैंने 4 बार धोया तो वो पानी एकदम साफ हो गया। फिर उसको अच्छे से निचोड़ के, जैसे आलू में पानी नहीं रहना चाहिए, हम लोग टिक्की बनाएंगे तो पानी नहीं, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से निचोड़ के उसको एक बर्तन में निकाल लीजिए। अब हम लोग टिक्की के लिए आलू लेंगे, चिकन कीमा, 1 अंडा, 2 ऑनियन कटी हुई छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा, जिंजर का पेस्ट 1 टेबलस्पून, गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली कटी हुई, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, कुटी हुई धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसको थोड़ा कूट लीजिएगा, वो 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हरा धनिया 1/2 कप कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में, और एक आधा नींबू ले लीजिए, 1/2 नींबू का जूस, सारा साथ में मिला लीजिए, सारा कुछ साथ में मिला लीजिए, एक बाउल में डाल के सारा कुछ मिला लीजिए, सारा एक साथ अच्छे से मिला लीजिए। स्पून से इतना अच्छे से नहीं मिला सकते, तो हम लोग उसको हाथ से ही मिलाना पड़ेगा। उसको हाथ से अच्छे से मिला लीजिएगा, जैसे सारे चीज़ एक साथ बाइंड हो जाए। अच्छे से हाथ से उसको सारे चीज़ों को एक साथ मिला लीजिएगा। देखिए मैं कैसे मिला रही हूँ, वैसे ही मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आप उसको अच्छे से मिलाने के बाद आप उसको 2 घंटे के लिए फ्रीज में रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, कि सारा मसाला, चिकन, आलू, सब कुछ, सारा चीज़ का फ्लेवर उसमें आ जाए, सारे चीज़ों का फ्लेवर जो है उसमें एक साथ मिल जाए। फिर 2 घंटे के बाद, 2-3 घंटे के बाद हम उसको फ्रिज से निकालेंगे। निकालने के बाद उसको एक बार और मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम लोग उसको टिक्की का आकार का छोटा छोटा बॉल की तरह बना लेंगे, बॉल की तरह बना के थोड़ा प्रेस कर देंगे, जैसे वो टिक्की का आकार का बन जाए। जैसे मैं बना रही हूँ, आप लोग ऐसे बनाइए। आप पतला भी थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप साइज़ दे दीजिए, अपनी मर्ज़ी से आकार आप दे सकते हैं। ऐसे ही सारा एक बार कर लीजिए। सारा बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे उसको
फ्राई करने के लिए। अब देखिए सारा बन गया मेरा, रेडी है। अब हम लोग गैस ऑन करते हैं और ऑयल पैन में, ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद ही, अच्छे से गर्म होने के बाद ही आप टिक्की को उसमें डालिए। डालने के बाद उसको कवर कर दीजिए। कवर करने से क्या होगा, थोड़ा सा जो चिकन है वो और आलू है वो थोड़ा सा पक जाएगा। 2 मिनट के बाद उसको फिर पलट दीजिए। देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अभी सिम, थोड़ा सा जो आंच को सिम कर दीजिए। सिम करके फिर 2-3 मिनट पकाइए। ऐसे उलट पलट करके आपको जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक नहीं निकालना है। आप जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये देखिए मेरा हो गया है, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। ऐसे ही सारा आप बना लीजिए। जितना भी आपने टिक्की बनाया है सारा रेडी कर लीजिए। मेरा सारा हो गया। देखिए कितना कम ऑयल में बन गया है, बन के रेडी हो गया है। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। उसके बाद आप उसको अच्छे से गर्मा गर्म सर्व कीजिए नींबू सॉस ऑनियन इसके साथ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।